सो गाइज, आज से कुछ दिन पहले मैंने अपने चैनल पर आप लोग को एक वीडियो दिया था और उस वीडियो में मैं आप लोग को बताया था कि अगर आप दुनिया के किसी भी देश में फ्री में मैसेज और SMS करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। उस वीडियो पर बहुत सारे लोग अभी कमेंट कर रहे हैं कि भाई वो वेबसाइट सही तरह से वर्क नहीं कर रही है। कोई बात नहीं, आपको मैं एक बार फिर से बताऊंगा कि आप कैसे फ्री में दुनिया के किसी भी कंट्री में आप फ्री में SMS कर सकते हैं। वीडियो के साथ बने रहिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इस तरह का वीडियो देखने को मिलता रहेगा। सो गाइज, मैं सबसे पहले एक चीज़ आप लोग को यहाँ पर याद दिला दूँ कि अभी आप टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं तो फटाफट टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी मैं एप्लीकेशन यूज करता हूं, अब जो भी वीडियो मैं क्रिएट करता हूं, उन सारे वीडियो का लिंक होता है या फिर वेबसाइट का लिंक मैं टेलीग्राम पर डालता हूं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम को, फटाफट आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। सो गाइज, मैं सबसे पहले एक ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं पॉपिन ब्राउज़र यूज कर रहा हूँ, अगर आप क्रोम ब्राउज़र भी यूज करेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट ऊपर क्लिक करेंगे, गेट स्टार्ट पर क्लिक कर लेंगे। गूगल में हमें एक वेबसाइट सर्च करना होगा और इस वेबसाइट का नाम है ए फ्री SMS, ठीक है। इस वेबसाइट का लिंक मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, फटाफट आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको जो टॉप में लिंक मिलेगा आपको यहीं पर क्लिक करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जूम करके मैं आपको दिखा दूँ कि आपको कहाँ से आगे जाना होगा, क्योंकि यहाँ पर SMS सेंड करने का कोई भी ऑप्शन नहीं दिखाया जा रहा है। जैसे ही आप ऊपर देखेंगे आपको यहाँ पर सेंड फ्री SMS का एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर केयरफुली वीडियो को वॉच कीजिए, ठीक है। एक एड शो करेगा, सिंपल आप इस एड को कट कर दीजिएगा। बहुत सारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं कि भाई ये वेबसाइट पहले काम कर रहा था अभी नहीं। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा कि कैसे इसमें आप SMS सेंड कर सकते हैं कहीं भी मैसेज, ठीक है। अब आपको इनका जो कुकीज पॉलिसी है, सबसे पहले आपको यहाँ से एक्सेप्ट करना होगा, तभी जाकर आप कहीं पर भी मैसेज भेज सकते हैं। तो आपको यहाँ पर ये जो कुकीज पॉलिसी का जो ऑप्शन बना हुआ है यहाँ पर क्लिक करना है। मैसेज भेजने से पहले कुकीज पॉलिसी पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको एक्सेप्ट कर लेना है। सबसे नीचे आपको एक्सेप्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद अब आपको एक काम करना है, आपको बैक आना है। बैक आने के बाद अब आपको यहाँ पर मैसेज भेजने का जो भी फॉर्मेलिटी है उसको अब आपको पूरा करना है। कैसे, मैं अभी आपको यहाँ पर समझा देता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं कंट्री बना हुआ है, फ़ोन नंबर और टेक्स्ट मैसेज। तो जो कंट्री का यहाँ पर ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पर ड्रॉप डाउन जो दिया गया है, अगर आप यहाँ क्लिक कर लेते हैं तो आप जहाँ पे भी मैसेज भेजना चाहते हैं उस कंट्री को आप सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं US में मैसेज भेजना चाहता हूँ तो मैं कंट्री को यूनाइटेड स्टेट रखूँगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर फ़ोन नंबर फिलअप करना होगा यूनाइटेड स्टेट का, क्योंकि वहाँ पर हम मैसेज भेज रहे हैं। तो हमें नंबर, हम आपको ऐसे ही रेंडम दिखाने के लिए मैं जो नंबर यूज कर रहा हूँ, टेक्स्ट नाउ एप्लीकेशन का यूज कर रहा हूँ, ताकि मैं आप लोग को सही तरह से समझा सकूँ कि कैसे आपको मैसेज मिलेगा, किस तरह से आपको मैसेज भेजना होगा। टेक्स्ट नाउ एप्लीकेशन ओपन करेंगे, थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस नंबर को मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगर आपको इस तरह के नंबर पर मैसेज भेजना हो तो मुझे फॉलो कीजिए, आसानी से आपका मैसेज चला जाएगा। चलिए, जो नंबर को हम कॉपी किए थे यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे, ठीक है। अब पेस्ट करने के बाद आपको जब भी US का नंबर कहीं पेस्ट करते होंगे तो बीच में स्पेस बन जाता है, तो सबसे पहले उस स्पेस को आपको क्लियर करना होगा, यानी कि कट करना होगा। बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए, नहीं तो यहाँ से एरर मिल जाएगा, ठीक है, गलत बता दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक करके मैं स्पेस को यहाँ से हटा रहा हूँ, बीच में जो स्पेस बने रहते हैं यहाँ से आपको हटा देना होगा, तब जाकर यहाँ से मैसेज जाएगा। अब नीचे आपको यहाँ पर टेक्स्ट मैसेज का एक ऑप्शन बना हुआ है, यहाँ पर भी इसका कंडीशन है कि अगर आप टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं तो आपको कम से कम 20 लेटर से ज़्यादा यहाँ पर लिखना होगा, यानी कि 20 वर्ड आपको लिखना ही पड़ेगा। 20 वर्ड से अगर लेटर से कम कोई भी यहाँ पर मैसेज लिखते हैं तो वो मैसेज ये अपनी जो वेबसाइट है ये नहीं सेंड करेगा। तो आपको 20 लेटर से ज़्यादा ही आपको यहाँ पर लिखना होगा, तो आप कुछ भी लिखिए 20 लेटर को ही यूज कीजिएगा, या फिर उससे ज़्यादा, यानी कि 160 लेटर का एक मैसेज होता है, तो मिनिमम आपका यहाँ पर 20 है और मैक्सिमम 160 है, ठीक है, आपने यहाँ पर समझ लिया। अब आपको एक काम करना है, जब मैसेज लिख लेंगे स्क्रॉल करके आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ जूम करके। यहाँ पर अब आप इस कैप्चे को फिल करेंगे, विदाउट कैप्चा फिल किए हुए आप मैसेज को नहीं भेज सकते, तो केयरफुली इस कैप्चे को आप फिलअप कीजिएगा। देख सकते हैं वेरिफिकेशन कोड है ये, तो इसको आपको केयरफुली फिलअप करना है, नहीं तो आपका जो मैसेज है डिलीवर्ड नहीं होगा जहाँ भी आप सेंड करेंगे, ठीक है।
ये लिखने के बाद आप देख सकते हैं नीचे सेंड का एक ऑप्शन बना हुआ है, सिंपल आप यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बार बार जूम करके दिखा रहा हूँ वीडियो के साथ। अगर आपने यहाँ तक बने हुए हैं तो गारंटी के साथ बोल रहा हूँ अब आपका जो SMS है चला जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर योर मैसेज हैज़ बीन सेंट, यानी कि आपका जो मैसेज है भेज दिया गया है। आपको यहाँ पर नंबर दिखाई देगा, यहाँ पर आपका जो भी चीज़ें हैं सब कुछ आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके को फॉलो करके आप आसानी से ये फ्री SMS से कहीं भी फ्री में SMS भेज सकते हैं।